फ्रीक्वेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 4 फरवरी 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्मा। पिछले हफ्ते यानी 29 जनवरी से 2 फरवरी तक करेंसी मार्केट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और कल से यानी मंडे ऑनवर्ड्स योर 5 फरवरी ऑनवर्ड्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी का एक एनालिसिस। पिछले हफ्ते आपका 2 मेजर इवेंट था। पहला वाला था आपका FOMC rate decisions and Friday को आपका NFP data। NFP data का जो number था बहुत ही ज्यादा unexpectedly better than expectations आया था, जिसके कारण Friday को हम क्या देखते हैं कि from a low of 102.90 it moved higher to 104.04 and closed at 103.96। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त उछाल ये, और वीकली को अगर हम चार्ट में देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है क्लोज एट द ऑलमोस्ट कैंडल हाई के नजदीक। कंसीडरिंग दैट RSI को देखेंगे तो RSI इज करेंटली एट 52.03, सो ऊपर की तरफ रूम है। अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है तो हमारा जो डेली चार्ट में इमीडिएट एक रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 104 से 104। मंडे ऑनवर्ड्स पहला चीज ये देखना है कि क्या इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, एंड ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद अगर एक स्विंग हाई बना के स्विंग हाई को तोड़ते हैं, इन सच केस सुपर डुपर बुलिश अप मूव हम देख सकते हैं आपके डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट। अगर यहाँ पे देखो कि एक कंसोलिडेशन चल रहा था, कब से चल रहा था, 17 जनवरी से डॉलर इंडेक्स एक नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे थे, मूव कर रहे थे। जो ऊपर का रेजिस्टेंस 104.20 एंड नीचे का सपोर्ट 103.10, इसी के बीच में घूम रहे थे। हमारा यही था, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक एक ट्रेंडेड मूव नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर मंडे यानी कल इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ तोड़ते हैं एंड इन सच अ केस एक स्विंग हाई बना के उस स्विंग को तोड़ते हैं ऊपर की तरफ, इन सच अ केस यहाँ पे एक ट्रेंडेड अप मूव हम देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे अगर ट्रेंडेड अप मूव देखेंगे तो कहां तक हम देख सकते हैं, ये है हमारा प्रोबेबल फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। कौन सा रेजिस्टेंस है, 105.90 से 106.20 के बीच। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैलेंज, एंड इन द मीन टाइम उधर जाते जाते RSI विल अप्रोच 60, वीकली RSI विल अप्रोच 60। सो यहाँ पे हमें एक बुलिशनेस दिख रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि इस जो 104 से 104.20 का एक रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए एंड हायर लो बनाना चाहिए। डॉलर रुपी हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन में एक इंट्राडे लो बनाया जो आपका 82.8283 तक नीचे लो बना के देन ये ऊपर जाके क्लोज दिया, दैट इज एट 82.9899 लेवल्स में। ये जो क्लोजिंग है ये था आपका US मार्केट में। हमारे मार्केट में इट क्लोज्ड अराउंड 88-89 लेवल्स। सो यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे, वीकली चार्ट में ये जो प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड, कौन सा लोअर एंड, 82.80 से 83.00 इस लेवल पे प्राइस रिजेक्शंस देखा गया, यानी इट बिकम्स अ मेजर चैलेंज फॉर द सेलर टू ब्रिंग द डॉलर रुपी बिलो 82.80। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रेदर हम एक ऊपर की तरफ अप मूव वंस अगेन टूवर्ड्स 83.15-83.20 देख सकते हैं। दिस इज विदाउट कंसीडरिंग द फ्लोस हिटिंग द मार्केट, whether the inflows or outflows hitting the market. Lekin price action agar change karte hain accordingly I will come out with fresh video. GBP dollar mein aap dekhoge yahan pe hamara do range tha, ek tha aapka 1.2810 se 1.2830 ke beech mein top ka resistance tha aur niche ki taraf 106.
इसके बीच में प्राइस बहुत कंसोलिडेट किया। जब तक इसके बाहर नहीं निकलते हैं तब तक प्राइस एक्शन में मोमेंटम मिसिंग रहेगा। दैट बीइंग द केस मिसिंग रहेगा तो आपका मिसिंग रहेगा जब तक ये इस रेंज के बाहर नहीं निकलते। फ्राइडे के दिन में ये प्रोबेबिलिटी हो रहा था कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, जीबीपी डॉलर ऊपर जाएगा, यूरो डॉलर ऊपर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। रेदर इट मूव्ड हायर, मींस फ्रॉम द हायर लेवल इट्स गॉट सोल्ड ऑफ ड्यू टू द एनएफपी डेटा। अभी ये 1.26 लेवल पे आके रुका हुआ है। मंडे ऑनवर्ड्स हमें ये देखना है क्या ये इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं। इन सच केस एक नीचे की तरफ मूवमेंट व्हिच मे टेक जीबीपी डॉलर टुवर्ड्स 1.25 हो सकते हैं। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली एक ऊपर की तरफ 106.80 से 107.00 एंड नीचे की तरफ 104.75 से 105.00 का एक रेंज में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब तक इसके बाहर नहीं निकलते मोमेंटम मुश्किल है। तो अभी ये लोअर एंड पे क्लोज किया है, लोअर एंड पे क्लोज किया है तो अभी देखना है मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट जो टारगेट हो सकता है वो है 104 से 104.25। इसको भी अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो ये 103.00 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है मंडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे नीचे एक डिप करके फिर दोबारा ये रेंज के अंदर में आ जाए। That is why ये जो range breakout is necessary. Euro dollar में हमने भयंकर एक है means bullish momentum के लिए तैयारी कर रहे थे। Friday morning आप अगर Friday का जो pre-market analysis आप देखोगे वहाँ पे हमारा ये expectation था कि ये trend line के ऊपर तो close दिया है, अभी इसके ऊपर अगर sustain करते हैं specifically आपका ये 31st January के high के ऊपर अगर sustain कर जाते हैं तो we are looking for 1.0975 and then उसके भी ऊपर जाते हैं तो 1.1150 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एनएपी डेटा इतना अच्छा आया कि डॉलर स्ट्रेंथन आ गया एंड प्राइस नीचे की तरफ आ चुका। अभी क्या देखना है यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या हमारा जो वीकली ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड स्टिल वैलिड मंडे ऑनवर्ड्स। ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है इसके नीचे सस्टेन करना नहीं चाहिए। अगर ये सस्टेन करते हैं इन सच केस हमारा जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है उसका टारगेट है 1.1150 वो निगेट हो जाएगा। इन सच केस वी विल नीड टू लुक एट द प्राइस सेक्शंस इन विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। अभी यहाँ पे एक भयंकर आपका बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना इमीडिएटली नीचे की तरफ आपका 1.072030 में एक भयंकर सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट को मींस ये वाला सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं इसके लिए हमें मंडे ऑनवर्ड्स थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंफर्म करना है। यूरो आईएनआर यहाँ पर भी हमारा वही कैलकुलेशन था ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे थे 91.30 एंड आपका 92.50। लेकिन ये जो थर्सडे का जो क्लोज था ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं दिया। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें चाहिए था जो हुआ नहीं है। रेदर ऊपर में थोड़ा सा मूव करके प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड नीचे की तरफ आ चुका है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट है इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर मिस ऑलमोस्ट कर चुका है। अभी मंडे का देखना है कि यह कंटिन्यू की होते हैं या नहीं। अगर ये मंडे को कंटिन्यू करते हैं इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है नीचे के तरफ वो है 89.00। वीकली का जो ड्यूअल पीरियड का जो कॉन्सेप्ट था वीकली चार्ट में ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज दिया हुआ है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया। दैट बीइंग द केस हमारा जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का जो कैलकुलेशन है ये निगेट हो चुका है। सो हम जो टारगेट कर रहे थे वो अभी हमें नए सिरे से प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन में हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया था। आप अगर फ्राइडे मॉर्निंग का
हमारा प्री मार्केट एनालिसिस देखोगे, वहां पे हमने क्या डिसाइड किया था कि जब तक इसके लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया हुआ है बट प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड, दो दो दिन, तो दो दो दिन ये नीचे के तरफ से फिर बाउंस बैक किया, कंसिडरिंग दैट यहाँ पे बायर्स आर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दैट बीइंग द केस, जब तक इस दो लोज है, टू डेज का वेंसडे एंड थर्सडे का जो लोज है उसके लो के नीचे सस्टेन नहीं करते, तब तक यहाँ पे सेलिंग के लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना। एंड एनएफपी डेटा के बाद क्या हुआ, एनएफपी डेटा के बाद ये ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज दिया है। अभी जो देखने वाला चीज है, डेली आरएसआई एट 60, वीकली आरएसआई एट 60, मंथली आरएसआई एट 60, 62.0, यहाँ पे अगर हमें आने वाले दिनों में, हमारा ये नया कैलकुलेशन है, आने वाले दिनों में ये ट्रेंड लाइन को नीचे के तरफ क्लोज देते हैं, तभी जाके डॉलर येन में एक भयंकर तगड़ा सेलिंग हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें प्राइस एक्शंस देखना है एंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज देना है। इस टाइप का रिजेक्शंस नीचे की तरफ होगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी क्लियर डायरेक्शंस। येन आईएनआर में भी हमें यहाँ पे एक W पैटर्न का इंतजार कर रहे थे, व्हिच मे टेक येन आईएनआर टुवर्ड्स 5730 एंड 59 की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो W है वो कंफर्म W नहीं मिला, सो हमारा ये मिस ट्रिगर आया नहीं है। रेतर यहाँ पे अभी देखने वाला चीज क्या है, अभी भी वीकली डेली आरएसआई एट 36.95, कभी भी ये वो 40 सपोर्ट ले सकता है, वीकली आरएसआई एट 41.72 एंड मंथली आरएसआई 41। दैट बीइंग द केस, ये जो जोन है एक बाइंग जोन बन सकते हैं, अभी भी हमें ये आईएनआर पे एक बाइंग जोन का जोन बन सकता है, यानी बाइंग के लिए हमें इंतजार करना है। अगर सेलिंग साइड से खेलते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ आप सेल कीजिए, जैसे आपका स्टॉप लॉसेस आउट होगा आप निकल जाइए शॉर्ट पोजीशन से। अभी आते हैं डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी में भी हम यहाँ पे एम पैटर्न का टारगेट कर रहे थे, जिसके कारण हमारा जो टारगेट था 1.3250 का एक एम पैटर्न का टारगेट था, जिसके कारण हमें ये इंतजार था 31 जनवरी का जो लो है इसके नीचे सस्टेन करना, जो हुआ नहीं है, तो प्राइस यहाँ पे गड़बड़ा गया। अभी हमें नए सिरे से प्राइस को देखना है। That being the case, ये जो सेंटर बैंड यानी 1.3550, once again is हमें देखना कि इस एरिया पे क्या दोबारा रेजिस्टेंस प्राइस लेते हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये हो गया डॉलर के लिए। ऑसी डॉलर में भी हम ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड W पैटर्न सब देख रहे थे, यहाँ पे हमें इंतजार था इस जो लाइन बनाया हुआ उसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन एनएफपी डेटा इतना अच्छा आया कि सबका बैड बना दिया एंड नीचे की तरफ क्लोज दिया और ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का जो सेटअप है उसको निगेट कर चुका है। सो अभी हमें नए सिरे से प्राइस को देखना है। अभी हमारा जो सपोर्ट जोन हो सकता है ये 6350 की तरफ नया सपोर्ट जोन हो सकता है, क्या ये आने वाले दिनों में फर्दर सेलिंग कंटिन्यू होते हैं, इन सच केस इस जोन में हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। डॉलर सीएनएच में हम ये इंतजार कर रहे थे 7.20 के ऊपर क्लोज देने के, इन सच केस इन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 7.25 एंड 7.29। दैट बीइंग द केस इसका इंपॉर्टेंस डॉलर रुपी पे प्रेशर आने का हायर प्रोबेबिलिटी, यानी ये अगर 7.25 एंड 7.29 के तरफ जाते हैं, इन सच अ केस डॉलर रुपी विल आल्सो हैव सम प्रेशर, सो इट मे टेक टुवर्ड्स 7330 7340 के तरफ ले जा सकते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड जो है आपका फ्राइडे के दिन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है। आप देखोगे जब हमारा 29th एंड 30th का जो प्री मार्केट एनालिसिस था वहां पे हमने क्या किया था, ये जो ब्रेकआउट हुआ इसको अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच केस हमारा जो टारगेट हो सकता है 93.30 की तरफ, लेकिन वन मोर प्रोबेबिलिटी था कि अगर फॉल्स ब्रेक डाउन करते हैं यानी ब्रेकआउट करके फिर नीचे दोबारा आ जाते हैं रेंज के अंदर में, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज इट मे मूव टुवर्ड्स 76.20।
एंड करेंटली इट इज 78-37। सो एंड ये जो आएगा ना बहुत फास्ट आएगा, एक कैंडल में 50% से ज्यादा मूव कर चुका है अभी, शायद मंडे या ट्यूजडे को ये करने का हायर प्रोबेबिलिटी है, नहीं से कि आएगा ही, बिकॉज मार्केट इज अल्टीमेटली सुप्रीम, हम जो भी सोचते हैं मार्केट हमसे ज्यादा स्मार्ट है। सो लेकिन ये जो कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के हिसाब से देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, इट मे मूव टू 76.30-76.50, इसके नीचे भी जाते हैं, देन अगेन ये जो रिसेंट स्विंग लो है 73-73.20 उधर भी जाने का दम रखता है। लेकिन इस लेवल पे कैसे डील करते हैं प्राइस, वो हमें देखना पड़ेगा। अभी आते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो यहाँ पे अच्छा खासा दो हमारा सपोर्ट लेवल को तोड़ा था, पहला आपका 3.96 था, दूसरा वाला आपका 3.80 को सलाम ठोका थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन बंदा घूम गया ऊपर की तरफ, मैं तो चला हरिद्वार, हरि के द्वार के यानी ऊपर की तरफ चलने लगा। अभी क्या है, अभी यही देखना है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक जोन मिल सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमें एक जोन मिलेगा, ये जोन पे कैसे डील करते हैं हमें देखना पड़ेगा, यानी 4.14 से 4.18 इस जोन को कैसे डील करते हैं, ये हमें डील करते हैं, मतलब यहाँ पे आने के बाद प्राइस क्या स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करते हैं या रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। यूएस टू ईयर ट्रेजरी, यहाँ पर भी हमारा जो टारगेट था, टारगेट यहाँ पे टारगेट था नहीं, रेदर यहाँ पे कंसोलिडेशन था, हमारा यही कैलकुलेशन था कि इस कंसोलिडेशन से जब तक बाहर, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में एक नैरो कंसोलिडेशन, जब तक इस कंसोलिडेशन के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक एक ट्रेंडेड मूव नहीं मिलेगा, और वही देखने को आया, थर्सडे के दिन लोअर एंड पे आया, फ्राइडे के दिन वो ऊपर चला गया। सो दैट मीन द केस, अभी हमें देखना है यहाँ पे आपका 4.46 ऊपर की तरफ एंड 4.12 नीचे की तरफ, ये जोन स्पेशली ऑन द हायर साइड ये कैसे ट्रीट करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा ड्रिवन है, एफएमसी रेट डिसीजंस, देन आपका एनएपी डेटा, उससे पहले आपका सीपीआई डेटा, ऑल दिस डेटा मींस क्या कर रहा है, आपका एक दिन नीचे तो दूसरे दिन यानी पूरा का पूरा डिस्को वर्सेस किसको, यानी आपको डांस करवा रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, डांस करते करते हमें इसका पल्स को पकड़ना है, ताकि एक जगह पे जाके हम बैठ जाएंगे अपना पोजीशंस लेके, एंड वो चाहे जितना भी डांस करवाए हम नाचेंगे, हम अपना पोजीशंस के साथ रहेंगे। सो यहाँ पे ये डांस एरिया है, इस जोन को हमें इंतजार करना है, कब तक कौन सा डायरेक्शन में कन्विक्शन के साथ ब्रेकआउट करते उसका हमें इंतजार है। सो इन नटशेल क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स एनएफपी डेटा के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन अभी इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस जोन है 104 से 104.20, इस जोन पे ये कैसे डील करते हैं, क्या यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं, या क्या ये ऊपर की तरफ एक स्विंग बना के फिर स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ते हैं, अगर स्विंग को बना के ऊपर की तरफ तोड़ते हैं एक अपवर्ड मूव मैटिक द हायर टेरिटरीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अदरवाइज यहाँ पे हमें एक नया ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अभी हमें इंतजार रहेगा, अगर नीचे की तरफ देखना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना है, स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है, एंड उसके बाद फॉलो थ्रू भी देना है, देन एंड ओनली देन डॉलर इंडेक्स में हमें वीकनेस दिखेगा, डॉलर भी साइडवेज है, मींस जो रेंज है उसी के अंदर में रहेगा। फ्राइडे को थोड़ा सा डिप मारा था, स्टॉप लॉस बेसिकली ट्रिगर हुआ था 83 का 82.95, जो भी लोग बैठे हुए थे लॉन्ग के लिए उन लोगों को काटना पड़ा, एंड जीबीपी डॉलर में अभी ये रेंज है, ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट करना है, कौन सा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट हियर। यूरो डॉलर में यहाँ पर भी हमने डिस्कस किया, क्या ये यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद कैसे बिहेव करते हैं इसको हमें देखना पड़ेगा। डॉलर यन में एक काफी टाइम से मैं पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि इसके सेलिंग के लिए, अभी बेसिकली इसका जो सेलिंग का लेवल है 149.50, लेकिन
यहाँ पे एक कुछ प्राइस एक्शन बना रहा था नीचे की तरफ, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं था। वंस अगेन वी आर वेटिंग फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो लेकिन लेवल्स आपका होगा, आपके हिसाब से करोगे कहाँ पे आपको कंफर्ट मिल रहा है सेलिंग के लिए। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।